अमेरिका में नए सिटीजनशिप बिल को संसद में किया गया पेश। कानून बनने के बाद H-1B वीजा धारकों के आश्रितों को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए किसी देश के प्रवासियों की संख्या सीमित करने पर लगी रोक खत्म। नए कानून से अमेरिका में IT सेक्टर में काम करने वाले भारतीयों को बड़ा फायदा। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ जारी प्रदर्शन में 10 दिन पहले पुलिस झड़प में घायल महिला की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों का हंगामा। सैन्य अधिकारियों को आंदोलन को और बड़ा करने की दी चेतावनी। CCTV वीडियो में सामने आई सच्चाई। पानी की बौछारों से बचने के दौरान गोली लगने के बाद मोटरसाइकिल से गिरने से महिला बुरी तरह जख्मी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने की फेसबुक पर समाचार सेवाएं बहाल करने की अपील। बोले, ऑस्ट्रेलिया के फेसबुक यूजर्स पर लगाई गई रोक को हटा ले फेसबुक, वरना ऑस्ट्रेलिया की तरह बाकी देश भी गूगल फेसबुक जैसी कंपनियों से न्यूज सर्विस के लिए लेने लगेंगे पैसे। कहा, फेसबुक भी गूगल की तरह बातचीत से निकाले समाधान। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में उबर ड्राइवर्स को न्यूनतम सैलरी और पेड हॉलिडे देने पर बनाया कानून। ब्रिटेन में दो उबर ड्राइवर्स को कर्मचारियों की मिलने वाली सभी सुविधाएं देने संबंधी याचिका को लोअर कोर्ट ने किया था खारिज। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, अब तक संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 9 लाख के पार। 24,54,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 8,58,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। टर्की में सिनोवैक्स की वैक्सीन से आई टीकाकरण अभियान में तेजी। देश में 14 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स और उम्रदराज लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। सिनोवैक्स से वैक्सीनेशन के पहले चरण में 61 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जर्मनी के कुछ इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने दी चेतावनी। कहा, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला कोरोना, घटते मामलों को देखते हुए सावधानी न बरतने पर फिर बढ़ सकती हैं मुसीबतें। दूसरे फेज में कोरोना केस बढ़ने पर चांसलर एंजेला मार्केल ने मानी थी अपनी प्रशासनिक लापरवाही।